पेट्रोल डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर जो हमारे माननीय सांसद जी ने बयान दिया है, बहुत ही हास्यपद बयान है। उनका यह कहना कि पब्लिक की आमदनी बढ़ी है, कोरोना महामारी को लेकर आमदनी बढ़ना तो दूर की बात है, घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सांसद जी, यह वास्तविकता को जानने की कोशिश कीजिए। आपको जनता ने इसलिए चुनाव में जिताकर भेजा था कि आप जनता के भले की बात करेंगे, जनता के हित की बात करेंगे, उल्टा जले पे नमक छिड़क रहे हैं। 100 रुपए लीटर पेट्रोल जाने के बाद अपनी पार्टी में या संसद में बात जनता की रखने के बजाय आप बचाव इस बात का कर रहे हैं कि ये तो कांग्रेस ने भी किया था, कांग्रेस की सरकार हट गई तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटने की बारी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ऐसे उलूल जुलूल बयानों से जनता का कोई सरोकार नहीं है, जनता का कोई भला होने वाला नहीं है। आपको चाहिए कि अपनी पार्टी की नेताओं से कहें वो टैक्स कम करें। किसी भी तरीके की जितनी लूटपाट मध्य प्रदेश के अंदर मचा रखी है शिवराज सिंह सरकार ने, सबसे हिंदुस्तान की में सबसे ज्यादा अगर कहीं टैक्स है तो मध्य प्रदेश में है। 32-33 रुपए का एक लीटर का टैक्स लिया जाता है एक लीटर पर, क्या यह न्यायोचित है? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के बयानों से जनता का भला होने वाला नहीं है। आप जनता के सच्चे हितैषी हैं तो निश्चित रूप से टैक्स कम करके जनता को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। आपसे मैं यही अपेक्षा करता हूं।